हाय फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने सूजी का उपमा और दलिया तो कई बार खाया होगा, पर क्या आपने कभी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी आटे का उपमा खाया है, या जिसे उकड़पिंडी कहते हैं? उकड़पिंडी एक महाराष्ट्रीयन ट्रेडिशनल रेसिपी है, जिसमें उकड़ का अर्थ होता है स्टीम से या भाप से पकाया हुआ, और पिंडी का अर्थ होता है इसके टेक्सचर में छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, उसे पिंडी कहते हैं। तो जो हम आगे रेसिपी में देखेंगे, तो अभी हम देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। पर इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जी हाँ, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी रेसिपी आप तक तुरंत पहुंच सके। उकड़पिंडी एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनाई जाती है। इसके लिए हमने लिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, राई, शुगर, हिंग, और सब्जी में हमने लिया है एक आलू को मैंने छिलकर बारीक कट कर लिया हुआ है, प्याज मैंने बारीक कट कर लिया है, और मटर, ये फ्रोजन मटर है, हम सीजन हो तो फ्रेश मटर ले सकते हैं, फूल गोभी भी हम इसमें ले सकते हैं, और ये मैंने हरी मिर्च ली है, हरा धनिया, तेल हमें लेना है, और ये मैंने 2 कप मोटा आटा लिया है गेहूं का, और 1/2 कप बेसन लेना है हमें। उकड़पिंडी या आटे का उपमा बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई गरम की है मैंने, और उसमें हम 2 कप गेहूं का मोटा आटा और 1/2 कप बेसन मिक्स कर देते हैं, और इसको हमें भूनना है मीडियम फ्लेम पर, हल्का हल्का इसे रोस्ट करना है, 4 से 5 मिनट तक हमें इसे रोस्ट करना है। इसका टेक्सचर हल्का हो जाएगा और इसमें से खुशबू भी आने लगेगी। इसके पहले मैंने एक महाराष्ट्रीयन ट्रेडिशनल रेसिपी थाली पीठ भी यूट्यूब पर आपके साथ शेयर किए, सभी को बहुत पसंद आई है, आपने जरूर देखी होगी। उसमें भी हमने इसी तरह से आटा और बेसन रोस्ट किया है, उकड़पिंडी में भी हमें इस तरह से रोस्ट करना है। इधर हम आटा भून रहे हैं, तब तक हम दूसरे गैस पर थोड़ा पानी भी गर्म करने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आटे को अच्छी तरह से भून लिया है, रोस्ट कर लिया है, एकदम हल्का लाइट हो गया है इसका टेक्सचर, और इसका कलर भी चेंज हो गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आने लग गई है। आटे को अच्छी तरह से हम रोस्ट करेंगे, भूनेंगे, तो ही हमारी उकड़पिंडी भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और आटा हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आटे को निकालकर मैंने इसी गरम कढ़ाई में 4 चम्मच तेल लिया है, इसमें थोड़ा सा तेल ज्यादा होता है, पर बहुत स्वादिष्ट बनती है ये। और अब हम इस गरम तेल में 1/2 टीस्पून राई डाल देते हैं। राई अच्छी तरह फूटने लग गई है, अब हम गैस को धीमा कर देते हैं, और इसमें हम डालेंगे 1 आलू। प्याज न डालते हुए मैं आलू इसलिए पहले डाल रही हूँ, क्योंकि आलू को हम इसमें थोड़ा सा गोल्डन करेंगे, सोते कर लेंगे तेल में, गरम तेल में, जिससे कि ये बहुत जल्दी उकड़पिंडी में पक जाएगा, और उबला हुआ आलू यदि हम लेते हैं तो वो स्वाद में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इसी को ही थोड़ा अच्छी तरह तेल में रोस्ट करेंगे और पकाएंगे। ये हमारे आलू थोड़ा गोल्डन कलर होने आ गया है आलू का, अब मैं गैस को धीमा कर देती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1 मिर्च को मैंने काट कर लिया है, इसको हम इसमें डाल देते हैं, और प्याज डालेंगे हम बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, और अब हम इसमें डाल देते हैं मटर, पावर बॉइल मटर है ये, और फ्रोजन मटर, फ्रेश मटर हो तो इसमें आप ऐसे ही डाल दीजिए, वो भी पक जाते हैं, जब हम भाप से उकड़पिंडी पकाएंगे तो मटर अपने आप इसमें हो जाते हैं, उसको भी इस तरह से तेल में डालना है। ये उकड़पिंडी इस तरह से भारी कढ़ाइयों में बनाए तो इसमें ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है, नॉन स्टिक की जगह पहले के ज़माने में लोहे की कढ़ाई में बनती थी, बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक टेस्ट आता था उसमें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग डालेंगे, हींग का प्रोमिनेंट फ्लेवर इसमें अच्छा आता है, 1/4 टीस्पून लगभग मैंने लिया है हींग, और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं, और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ मैं, ऑलमोस्ट 2 टीस्पून मैंने डाला है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सिर्फ इतने ही मसाले हैं,
पर टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब सबको मिक्स कर लिया, अब हम इसमें डालेंगे आटा डाल देंगे, आटा और बेसन जो हमने अच्छी तरह से रोस्ट करके रखा है, सबको मिक्स कर देती हूँ। अब अच्छी तरह से आटा मिक्स हो गया है, अब हम इसमें स्वादानुसार नमक मिलाएंगे। नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी शुगर। ट्रेडिशनल रेसिपी में शुगर डाली जाती है, आपको पसंद नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। सबको फिर से मिक्स कर देंगे। अब नमक और शक्कर को मिला लिया है, इधर पानी भी ये गर्म हो गया है। अब हम ये गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। उपमा वाला टेक्सचर, हमें उपमा का टेक्सचर देना है, इस हिसाब से हमें पानी डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। ये मैंने इसमें 1.5 कप पानी ऑलमोस्ट इसमें डाला है मैंने। अब हम इसको ढक देंगे और इसको भाप से 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। अब 4-5 मिनट हो गए हैं, एक बार इसको खोल के देख लेते हैं। एकदम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। आटा हमारा रोस्ट किया हुआ है इसलिए ये बहुत जल्दी पक जाती है। अब हम इसमें धनिया, हरा धनिया मिलाएंगे और गैस को बंद कर देंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। इसका टेक्सचर इस तरह बॉल्स की तरह होता है इसलिए इसको पिंडी कहा जाता है, और ये भाप से बनती है इसलिए इसका नाम उकड़पिंडी है। उकड़पिंडी ताजे आम के अचार के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, इसको मैंने अचार के साथ सर्व किया है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी आटे की उकड़पिंडी, बहुत ही हेल्दी है, तो ब्रेकफास्ट में इसको आप शामिल कीजिए आपके ब्रेकफास्ट मेनू में, और इस रेसिपी को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।